खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, देश के बड़े बड़े संवैधानिक पद पर रह चुके पी चिदंबरम पिछले 23 घंटे से फरार, किसी को आता पता नहीं कहां है। उनका फोन स्विच ऑफ है, लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। चिदंबरम के वकील लगातार सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने की कोशिश में जुटे हैं। चिदंबरम की तलाश में सीबीआई 5 बार उनके दिल्ली वाले घर जा चुकी है। ईडी ने घर के बाहर तुरंत हाजिर होने का नोटिस चस्पा कर दिया है। लुकआउट नोटिस तक जारी हो चुका है। चिदंबरम पर आरोप घोटाले का, कल हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें आईएनएक्स मीडिया घोटाले का किंग पिन तक कह डाला। लेकिन आज भ्रष्टाचार के आरोपी चिदंबरम को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में कूद पड़ी। राहुल प्रियंका ने इसे सीधे सीधे द्वेष की राजनीति, जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का मामला बता दिया। लेकिन सवाल ये कि इस देश में फैसला लेने का अधिकार अदालत का है, तो आखिर कांग्रेस किस आधार पर उन्हें पाक साफ बता रही है। इसीलिए संविधान की शपथ में आज का सवाल, करप्शन के किंग पिन को कांग्रेस का कवच क्यों। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार। चिदंबरम की तलाश में सीबीआई और ईडी की छापेमारी। चौबीस घंटों से ज्यादा वक्त से फरार हैं चिदंबरम। ₹305 करोड़ के आईएनएक्स मीडिया घूसकांड में आरोपी हैं चिदंबरम। चिदंबरम के बचाव में उतरी पूरी कांग्रेस पार्टी। जो जो लोग इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन पर सीबीआई, ईडी और जितनी जांच एजेंसी हैं उन पर होता है। राहुल और प्रियंका गांधी ने चिदंबरम के समर्थन में किए ट्वीट। प्रियंका जी कह रहे हैं काफी वरिष्ठ सांसद हैं, तो इसका मतलब लूट की छूट मिल जाएगी। गड़बड़ किया है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। बीजेपी बोली, नीरव मोदी और माल्या की तरह फरार है चिदंबरम। चिदंबरम जी गायब हो गए हैं, लगता है ये भी विजय माल्या, नीरव मोदी और इसी श्रेणी में ये भी शामिल हो रहे हैं। संविधान की शपथ में बड़ा सवाल, करप्शन के किंग पिन को कांग्रेस का कवच। आज के मुद्दे का संवैधानिक दायरा क्या है इसे समझ लीजिए। आप देखिए, संविधान में कई अनुच्छेद हैं जिनके जरिए मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। अनुच्छेद 21 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 का अगर मैं जिक्र करूं तो किसी को हिरासत में लेने से पहले, किसी को हिरासत में लेने के बाद के नियम तक बाकायदा परिभाषित इन अनुच्छेद के जरिए किए गए। इन्हीं के आधार पर जांच एजेंसियां और कोर्ट कार्रवाई करती है। तो यह है संवैधानिक दायरा जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है, आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व पत्रकार आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीपीआई नेता आमिर हैदर जैदी साहब और हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता ए के वाजपेयी आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आशुतोष जी, क्योंकि आपसे आज मैं शुरुआत करना चाहूंगी सर चर्चा की, आप कांग्रेस के नजरिए को रखते हैं अक्सर टेलीविजन डिबेट्स में, अब जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल नहीं हो रहे हैं, तो आपसे समझना चाहती हूं सर, मजाक बनाकर रख दिया देश के कानून का? और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि देश के वित्त मंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, संवैधानिक पदों पर बैठे और कानून से भाग रहे। कानून से भाग कोई नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि राजनीति में एक हथकंडा होता है कि मारने से अच्छा है किसी का चरित्र हनन कर दो, जिसका उपयोग यहाँ पे बीजेपी कर रही है। पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे जो है छोड़ी गई एजेंसियां, और अब जो है श्री चिदंबरम को जिस तरह से पीछे पड़े हैं उससे स्पष्ट है कि एक सोची समझी साजिश है।
हमें याद रखना चाहिए कि ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने प्रथम अपने कार्यकाल में विपक्ष को नेस्तनाबूद करने का मुहिम छेड़ी थी और ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि एक देखिए एंटीसिपेटरी बेल का जो मामला है उसमें निर्णय केस के मेरिट पे नहीं होता है, लेकिन उसके आधार पे जो है जनता के बीच में भ्रांतियां फैलाकर चरित्र हनन किया जा सकता है और यहां पे यही हो रहा है चरित्र हनन श्री चिदम्बरम का, क्योंकि इनके सारे आरोप जो हैं वो एक हत्या के आरोपी के मुखबिर बन जाने के बाद से हैं। अब ये एक तो पहले फाइनेंशियल फ्रॉड है जिसका जो है एक मिनट हो गया सर, एक मिनट हो गया है, दोबारा आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी, आपने जो बातें कही सर इस एक मिनट में, तो आपने कई बातें कह दी। आपने राजनीतिक हथकंडे का जिक्र कर दिया जिसकी वजह से मुझे याद आया राजनीतिक हथकंडा चरित्र हनन करने वाला, तो शायद वो राहुल गांधी का चौकीदार चोर है वाला नारा एकदम से मेरे जहन में आया सुनकर आपका राजनीतिक हथकंडा। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि साहब कानून से भाग कोई नहीं रहा है, तो सर जांच एजेंसियां घर पर चक्कर लगा रही हैं और पी चिदम्बरम गायब है, जांच एजेंसियां नोटिस चस्पा कर आ रही हैं कि आइए जांच में सहयोग कीजिए और पी चिदम्बरम का कोई अता पता नहीं, और आप बड़े आराम से फक्र वाले अंदाज से गौरवान्वित करने वाले अंदाज से बैठकर कह रहे हैं भाग कोई नहीं रहा है। शाबाश सर, शाबाश, आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, ये लोकतंत्र है बनाना रिपब्लिक नहीं, अदालत में आए शिकायतें हैं तो वहां रखें, अदालत फैसला करेगी, फेस क्यों नहीं कर रहे पी चिदम्बरम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, कानून की प्रक्रिया को। देखिए रुमाना जी, साफ है कि इसके मेरिट पर तो डिस्कशन कोर्ट में, अदालत में या सीबीआई ईडी करेगा। हम एक प्रिंसिपल डिबेट के लिए बैठे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून को, देश के इतने बड़े वकील, वित्त मंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, वो सारे विषय को समझते हैं। अगर आप पर ये केस है, मुकदमा है, उससे पहले आपको उसको फेस करना चाहिए या भागना चाहिए, आप जितने बड़े पद पे होते हैं उतनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। पहली बार होगा कि देश का कोई वित्त मंत्री या गृह मंत्री भागा फिर रहा हो और एक नोटिस चिपकाया जाए, उसके तलाश में जगह जगह पुलिस पिकेट लगा हो। अब सीबीआई या ईडी अपना काम कर रही है, उसमें दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है सर, एक मिनट हो गया, उनके पास तो साक्ष्य हैं, तभी तो इतने बड़े वकील। ठीक है सर, एक मिनट हो गया है, दोबारा बहस जब खोल दूंगी तो आपके पास फिर से लौटूंगी। सर मैं आमिर हैदर जैदी साहब के पास आना चाहती हूँ, और जैदी साहब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि इस देश में तो हम देखते हैं कैसे विपक्ष बात बात पर नारा लगाने लगता है, सर लोकतंत्र खतरे में आ गया। अब सीधे सीधे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी उस शख्स की तरफ से जो खुद संवैधानिक पदों पर बैठा रहा, और विपक्ष खामोश है, ये लोकतंत्र अब खतरे में नहीं है क्या? देखिए रुमाना जी, अभी हमारे वित्त मंत्री जी एक वकीलों के प्रोग्राम में बोल रहे थे, जो बार काउंसिल ने किया था, कि जज अंतिम समय में कुछ ऐसे फैसले सुनाते हैं लास्ट मोमेंट पे, आखिरी दिन में, कि जो उन्हें, और फिर बाद में वो टीवी डिबेट में बैठ के उनका बखान भी करते हैं और उन्हें न्याय संगत भी कहते हैं, उन्हें उनका क्या हशर होता है सबने देखा, वाजपेयी जी यहाँ मौजूद है, बार काउंसिल की मीटिंग थी। बहरहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। संविधान की शपथ लेके या संविधान के दायरे में रह के हमारी जाँच एजेंसियाँ कितनी निष्पक्ष होती हैं, ये देश का झूठे से झूठा आदमी बता सकता है कि वो किस दबाव में काम करती हैं। इतिहास का चक्र रुमाना जी घूम रहा है। एक दिन वो था जब चिदम्बरम जी गृह मंत्री हुआ करते थे, अमित शाह को तड़ीपार होना पड़ा था और सारी जांच एजेंसियां उसके पीछे थी, तब भी कानून अपना काम कर रहा था, तब भी कानून निष्पक्ष था, तब कांग्रेस कहती थी, आज बीजेपी वाले उसी तरह का बखान करते हैं। तो जांच एजेंसियां किस दबाव में कहां कहां क्या क्या काम करती है, ये देश का झूठे से झूठा आदमी बोल सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, एक मिनट हो गया है। वो जो आपने इतिहास के चक्र वाला जिक्र करके यहां पर सीधे बीजेपी को लपेटे में लिया है ना, उस पर तो मैं चलूंगी, शाहनवाज जी से जवाब लूंगी उसका, लेकिन उससे पहले मैं वाजपेयी जी का रुख करना चाहती हूँ। वाजपेयी जी, जिस तरीके की बोली सामने निकल कर आ रही है जैदी साहब की, जो विपक्षी दल से ताल्लुक रखते हैं, और जिस तरीके की चुप्पी बाकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखने के लिए मिल रही है इस मामले में, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, कुल मिलाकर ये विपक्ष क्या आज की तारीख में भ्रष्टाचार के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, चोर चोर जो होते हैं वो मसेरे भाई होते हैं, बड़ी पुरानी कहावत है और ये आज भी सत्य है। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, मोस्ट ऑफ देम
कोई बेल पे है, कोई जेल में है, कोई चार्जेस फेस कर रहा है। अच्छा, इसी तरह विपक्ष के बाकी नेता देख लीजिए, किसी ईमानदार आदमी के खिलाफ कभी कोई FIR होती है? हमारे खिलाफ तो कभी नहीं हुई, आपके खिलाफ तो कभी नहीं हुई, जयदी साहब के खिलाफ कभी नहीं हुई। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी तरह की अगर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है तभी आपके खिलाफ FIR होती है, और FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है, और अगर एविडेंस मिलता है, कुछ मटेरियल मिलता है, तब उसको अरेस्ट करने की बात होती है। आप समझिए, ये 2007 का मामला है, हाई कोर्ट के जज ने पूरे मेरिट्स को, एविडेंस को पूरी तरीके से जांचा है, और उसमें ट्रेल एस्टेब्लिश हुई है कि पैसा 305 करोड़ रुपए कैसे आया, बेटे के खाते में कैसे आया, बाप ने किस मिसयूज ऑफ पावर को इस्तेमाल करके उसको कैसे अप्रूवल दी। बड़ी बात, देखिए इन सब चीजों को जानने के बाद और हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा है, किंग पिन, मिनट हो गया, किंग पिन की कॉन्स्पिरेटर। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से मैंने आप संविधान की शपथ में अपना सवाल भी यही रखा है सर, कि करप्शन के किंग पिन को कांग्रेस का कवच क्यों। आशुतोष जी, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ सर, और अभी जो आपने कहा था कि भाग नहीं रहे, तो बताइए सर, देश को कहां है पीछे दमर, बताइए सर। देखिए, पहली बात तो क्योंकि हम लोग संविधान की शपथ में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका अपना जो है सामने पेश होना जरूरी नहीं है, उनके वकील लगातार जवाब दे रहे हैं, तो ये तो हो गया कानूनी। एक मिनट, कानूनी पहलू मैं आपको बताती हूँ सर, आपने सुना कल हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा, एक मिनट रुक जाइए सर, ये हथकंडा यहाँ मत अपनाइए, ये सियासी हथकंडा यहाँ पर मत अपनाइए। आशुतोष जी, आपको पता है कल हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा था, आपने जो चिदम्बरम गिल्टी है एंड ही शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, उन्होंने कहा कि चिदम्बरम से पूछताछ होनी चाहिए हिरासत में, कहीं नहीं कहा गया इस वजह से अग्रिम जमानत रद्द की या नहीं, और जो है आप बताइए कहाँ है चिदम्बरम, जवाब दीजिए। जो है श्री चिदम्बरम के पास ये, और ये चिदम्बरम के पास ये हक था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पे बात करें, क्योंकि चिदम्बरम के पास ये हक है कि वो फरार हो जाए, अगर यही चिदम्बरम फुर हो जाए सर, ये हक है चिदम्बरम के पास कि वो फुर हो जाए, देश के कानून का मजाक बनाए, कहानी सुनाई गई है उसको, देश के कानून का मजाक बनाए और चिदम्बरम फुर हो जाए, ये हक है चिदम्बरम के पास, ये हक है उनके पास, क्या आरोप में वो ये हक है क्या उनके पास। आशुतोष जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप अप्रूवर की बात करिए तो राजीव सक्सेना के बारे में क्या कहा, जवाब दीजिए, चिदम्बरम कहाँ है, चिदम्बरम के पास ये हक है कि वो देश के कानून का मजाक बनाए और फुर हो जाए, वो जो कानून की प्रक्रिया है उसका पालन कर रहे हैं, ये कोई भी वकील कह दे कि नहीं कर रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, प्रक्रिया है उसका पालन हो रहा है, 5 बार उनके घर चली गई, ईडी की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया, सीबीआई के सामने उनके लॉयर जवाब दे सकते हैं, पालन कर रहे होते हैं तो जांच एजेंसियों के दफ्तर में होना चाहिए था, पर्सनल कहां है पीछे तबरा नहीं है, उनके वकील जवाब दे सकते हैं और वकील लगातार जवाब दे रहे हैं, अगर वकील जवाब नहीं देते तब आप कहती तो ये जी आप गलत जानकारी दे रहे हैं, एक मिनट, ऑब्जर्वेशन, आप जो राग अलाप रहे हैं ना उसके सुर गलत लग रहे हैं, और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कानून के जानकार बैठे हुए आशुतोष जी, अब जरा संयम रखकर सुनिएगा जवाब सर, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब आपके पास नहीं कि पी चिदम्बरम कहाँ है, आप कह रहे हैं पी चिदम्बरम तो साहब बड़ा सहयोग कर रहे हैं जांच एजेंसियों का, व्यूअर्स को यही आगाह कर दूं सर, ये जो कानून के जानवर हैं ये अपोजिशन पार्टी के हैं, ये कानून को दो तरह से पढ़ा जाएगा, कानून को जानकार होना कोई गुनाह है क्या, ये जो है पार्टी में होना गुनाह है, लीडर है चिदम्बरम साहब भी कांग्रेस पार्टी में भी है और वकील भी है, आप क्या गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, करिए मत ना, आप लोगों को जानने दीजिए सच्चाई क्या है, जरा सा चुप हो जाइए, सही ये है, आइए आइए वाजपेयी जी, चिदम्बरम साहब की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, फॉर्मर होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीनियर एडवोकेट है एंड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर हैं, और उसके बावजूद लुकआउट नोटिस,
एब्सकॉन्डर कहलाता है, ये सीधा सीधा भगोड़ा कहलाता है, उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनको अरेस्ट ही करे, ये भी उनको मालूम है। खामखां जब बात को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, नियत पे शक है। हाईकोर्ट की फाइनलिंग के बाद मिश्रा जी, अगर आप करप्शन को सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस सपोर्ट करेगी या कम्युनिस्ट सपोर्ट करेंगे, तो ये जनता जवाब देगी, जनता देख रही है। 3,500 करोड़ का पूरा घोटाला है, 305 करोड़ डायरी है, कंप्लीट बैंक अकाउंट है, प्रूफ है सारे ऐसे। इसी वजह से क्यों ना माना जाए ये सारी हड़बड़ाहट, इसी वजह से क्यों ना माना जाए फरार, इसी वजह से क्यों ना माना जाए कानून से बचकर फुर इस वक्त पी चिदंबरम, जिन्हें गायब मानने के लिए तैयार नहीं है आशुतोष मिश्रा जी। मैं शाहनवाज हुसैन साहब का रुख कर रही हूँ। शाहनवाज साहब, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, मैं भी देख रही हूँ सर, जोक भी बहुत चल रहा है कि बड़ी तेज बुलंद आवाज में पी चिदंबरम पूछा करते थे कि माल्या कैसे भाग गया, नीरव मोदी कैसे भाग गया, ललित मोदी कैसे भाग गया। दरअसल वो खुद भाग निकलने के रास्ते तलाश रहा था सर, यही खेल चल रहा था, अब तो यही कहा जाएगा। 2017 में इस मामले में FIR हुई थी। आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन अगर फैक्ट सुनेंगे ना सर, तो आपको समझ में आएगा कि कितना गंभीर ये पूरा मामला। जुलाई 2018 से पी चिदंबरम इस मामले में कहीं ना कहीं अग्रिम जमानत लेने के चक्कर में मामले को लटकाते आए, और अब जब अगस्त 2019 में हाईकोर्ट के जज की तरफ से इस गंभीर टिप्पणी के साथ अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई कि किंग पिन इस मामले में हां जरूरत है हिरासत में लेकर पूछताछ करने की पी चिदंबरम से, तो पी चिदंबरम फुर। आइए शाहनवाज हुसैन साहब। देखिए, आपने सही कहा कि मैं ट्विटर खोलकर बैठा हूं, उसमें ट्रेंड कर रहा है भगोरा चिद्दू, उसके बाद दूसरा दोबारा फिर ट्रेंड कर रहा है उनके नाम से चिदंबरम मिसिंग, यानी एक बार एक व्यक्ति दो बार ट्रेंड कर रहा है। तो आप समझिए कि पूरे देश में ट्विटर पर पी चिदंबरम ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल यह है कि मैंने आपको पहले ओपनिंग रिमार्क में कहा जी कि मैं आशुतोष जी या जैदी जी या मिश्रा जी, हम लोग जज नहीं हैं, लेकिन हम लोग अपनी बात को रखने के लिए यहाँ आए हैं। हाई कोर्ट ने जो कहा है, तो चिदंबरम साहब इतने सीनियर वकील हैं, गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, क्या उसकी बात उनको माननी चाहिए थी? नहीं। क्या इतना बड़ा व्यक्ति इस तरह से भागे कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के पुलिस गाड़ी में चेक करे कि इसमें कहीं भेष बदल के तो नहीं बैठे हुए हैं? बिल्कुल, ये पहली बार हो रहा है। बिल्कुल, एक कुख्यात अपराधी की तरह सर, मुझे कहना पड़ रहा है, एक शातिर अपराधी की तरह, क्योंकि समझ रहे थे पी चिदंबरम किस तरीके से शिकंजा उन पर कस रहा है, और पी चिदंबरम और आपने हो गए। हाँ, रोमाना जी, आपने एक बात अच्छी कही कि जब इसी पी चिदंबरम साहब ने एक नहीं अनेक बार कहा था कि नीरव मोदी, विजय माल्या, मोहल चौकसे, जबकि नीरव मोदी और मोहल चौकसे से भी इनके रिश्ते थे, और वो जो एक स्कीम इन्होंने बनाई थी गोल्ड वाली स्कीम, उसका जो 2013 में लॉन्च की गई थी 80.20 गोल्ड आयात स्कीम में जी, जिसमें चिदंबरम साहब ने लागू किया था, इसमें 80-20 जो स्कीम कही जाती थी, इसमें 7 कंपनियों को फायदा हुआ, और मोहल चौकसी और नीरव मोदी की जो कंपनी थी उसमें से 2 कंपनी ये भी है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि दरअसल डर शायद पी चिदंबरम को इसी बात का कि जब पर्थे खुलेंगे तो फिर कई ऐसे सच सामने आएंगे जिससे मुश्किल पी चिदंबरम की बढ़ेगी। आशुतोष जी, ये आरोप है, बीजेपी के भी आरोप है सर, और जांच एजेंसियां जिस मामले में जांच कर रही हैं उसमें हाईकोर्ट के जज की वो टिप्पणी भी, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि किंग पिन इस पूरे घोटाले में नजर आते हैं, नजर में जरूरत महसूस होती है, हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए, अग्रिम जमानत याचिका खारिज की हाईकोर्ट के जज ने, और तभी से फुर हो गए हैं पी चिदंबरम। सवाल अब यह उठता है कि आखिरकार कांग्रेस किस आधार पर
फैसला सुना रही है पी चिदंबरम के पाक साफ होने का? राजनीति को ढाल क्यों बना रही है कांग्रेस पी चिदंबरम के लिए? क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब खुलकर आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं पी चिदंबरम के पक्ष में। जल्दी से आपको बताते हैं, पी चिदंबरम जो इस वक्त फरार हैं, जिन्हें ढूंढ रही है देश की जांच एजेंसियां, जो कोशिश में है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन अब तक उन्हें ऐसी कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली। वो जिन आरोपों में घिरे हुए हैं, उसका मनी ट्रेल क्या है, रिश्वत का चक्र, वो ये आपके सामने है। और मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं, आशुतोष जी। माना यह जा रहा है कि इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ अहम सबूत लग गए, जिसके आधार पर हाई कोर्ट के जज को यह कहना पड़ा कल अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कि शुरुआती नजर में किंगपिन घोटाले का नजर आते हैं और हिरासत में लेकर पूछताछ बनती है पी चिदंबरम से। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो दोनों क्यों कवच बन रहे हैं पी चिदंबरम का? भ्रष्टाचारी को कांग्रेस क्यों बचा रही है? देखिए, आप जो है पहले कोर्ट से पहले आप ही उनको भ्रष्टाचारी डिक्लेयर कर दे रही हैं। 2G केस याद रखिएगा, उसमें आखिर में खोदा पहाड़ निकली चूहा था, कुछ भी नहीं मिला। इसमें भी अदालत को फैसला करने दीजिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों कूद रहे हैं? पहले यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, और अदालत इसमें भी अदालत के फैसले का इंतजार कर लीजिए। आपने पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों कूद रहे हैं सर? और वो भी सारा केस, नहीं, सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं सर क्योंकि जांच में सहयोगी नहीं कर रहे हैं पी चिदंबरम। सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं सर क्योंकि पी चिदंबरम तो फरार हो गए। उसने जो हत्या के आरोपी इंद्रानी मुखर्जी ने जो बताया वो सत्य है कि नहीं, ये तो कोर्ट तय करेंगे ना। तो सर तभी तय करेंगे राजीव सक्सेना का नाम लिया था, और आप कहते हैं कि आप उसकी बात पर हमें विश्वास है नहीं, उसके दिए गए जो हमें प्रूफ मिले हैं उसमें विश्वास नहीं, इसको देश के बाहर ना जाने दो। राजीव सक्सेना भी उसमें जो अप्रूवर हो गया था, और अभी आप लोग बार बार बात कर रहे थे नीरव मोदी और माल्या की, तो नीरव अदालत की भूमिका निभा रही है सर, नरेंद्र मोदी जी के साथ देखे गए थे, और माल्या साहब जो है पूर्व वित्त मंत्री जेटली साहब के साथ देखे गए थे। तो ये आप ठीक है आशुतोष जी, आपके पास जवाब नहीं है आज किसी भी सवाल का। शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस पार्टी खुद को अदालत समझने लगी है क्या? जवाब तो चुनाव से पहले नारे लगवा देती है चौकीदार जो है, कि एक चुनाव के बाद पी चिदंबरम का मामला सामने आता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों आप आज ये मान रही हैं कि इंद्रानी मुखर्जी ने जो कहा वो सब सच है और कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है? अरे मिश्रा जी, 164 का, जब आपको जानकारी नहीं है इनको, 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है और वो एडमिसेबल अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ है विदाउट एनी स्क्रूटनी। जानकारी तो रखिए ना थोड़ी चीजों पर। आप ये भी तो बताइए प्रूव्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, मिश्रा जी बयान से राजीव सक्सेना ने भी लिया था, अब जो सरकारी एजेंसियां सीआरपीसी का बयान है उसके बारे में मिश्रा जी रुकिए, मैं उसमें जा ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ सामने क्यों नहीं आ रहा पी चिदंबरम, इसका जवाब आप नहीं दे रहे। फुर क्यों हो गए पी चिदंबरम, इसका जवाब आप नहीं दे रहे। क्यों जांच एजेंसियों को बार बार पी चिदंबरम के घर जाकर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, नोटिस चस्पा करने पड़ रहे हैं, लुकआउट नोटिस तक जारी कर दिया है? पी चिदंबरम गायब जो है, जब गायब पी चिदंबरम लगाया पूरे कांग्रेस पार्टी आ गई उनको बचाने में, अंदर में उनको बुला रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उन्हें बचाने में आ रही है। कानूनी जो जवाब मिलना चाहिए सब मिल रहा है आपको, जवाब मिल रहा है सर? जवाब चाहिए, जांच एजेंसियां कह रही है कि पी चिदंबरम दे रहे हैं आपको, जांच में सहयोग करें। इन्हें नोटिस लगाते वक्त उसमें सेक्शन तक नहीं मेंशन किया कि किस सेक्शन में बुलाया जा रहा है, और सहयोग उनके वकील तो कर ही रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, आप जो दलील दे रहे हैं वो किसी के गले नहीं उतर रही है सर, आप जो दलील दे रहे हैं वो किसी के गले नहीं उतर रही है सर, क्योंकि मामले में आरोपी पी चिदंबरम है, जांच एजेंसियां पी चिदंबरम को बुला रही हैं कि आइए सवालों के जवाब दीजिए, और पी चिदंबरम गायब हैं। मैं रुक करूंगी शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज साहब, कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस की हालत तो ऐसी कि शायद सामने अदालत देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी समझने लगी है। इसी वजह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सफाई में बचा रहे पी चिदंबरम के। आप तो संविधान लेके बैठी, किसी को भी आरोपी घोषित कर सकती हैं।
आपको अधिकार है, संविधान आपके हैं। पहला बगैर ट्रायल के आप एक आदमी को देश के पूर्व गृह मंत्री को आपने कह दिया कि बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। मुझे वाजपेयी जी यहाँ बैठ के टहरी दिखा रहे हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन की ये ट्रेल। वाजपेयी जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, वाजपेयी जी आप कह रहे हैं कि आपके पास डायरी है, आपके बीच में पितामह बीपी सिंह के पास भी डायरी हुआ करती थी बोफोर्स तोप की, आज तक कुछ नहीं बताया। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ आप कह रहे हैं आप मुझे बताइए, आप वकील है, बगैर किसी ट्रायल के किसी को अपराधी घोषित किया जा सकता है। कौन से 36 अकाउंट है, कोई लंदन में, कोर्ट में ट्रायल हुआ, कोर्ट में ट्रायल हो गया, कोई बेटे की कंपनी से, बगैर कोर्ट में ट्रायल हुआ। भाई अभी ट्रायल नहीं हो रहा है, अभी ये है कि आप जाइए और अपनी पोजीशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताइए। इस समय आपको कानून की जानकारी नहीं है क्या? आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होना है, बस। आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों छुपते फिर रहे हैं? किनके लेना है? गृह मंत्री सर, सवाल ये नहीं है, कहां ले जा रहे हो, कहां बहस को ले जा रहे हो? घंटे में बैठ ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप कर साहब, ये देश कानून से चलेगा ना सर, संविधान ने तय किया हुआ है ना कि किस हिसाब से कानून आगे बढ़ेगा। किसी ने अधिकार दिया बगैर ट्रायल के बाहर हम भी बैठे हैं, सारा ये बेल का मामला है, बेल का मामला है लोगिया, और आप लोग बचाने में लगे हुए हैं। आप लोग सब किसने किया? आप लोग उस जज को किसने अधिकार दिया जो कल को रिटायर होने वाला है? कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, अधिकार दिया अधिकार होने से पहले जज होता है, कहीं का गवर्नर बनने वाले हैं, संविधान ऐसे चलता है। जैदी साहब सॉरी, बिल्कुल जानकारी मेरी जानकारी है, जिस दिन जज रिटायर होगा उसके बाद हाईकोर्ट में जज होता है, आपके उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके आपको जानकारी नहीं, बार काउंसिल की मीटिंग में कह रहे हैं। अरे भाई साहब, जैदी साहब हाईकोर्ट का जज जब तक रिटायर नहीं होता हाईकोर्ट का जज होता है, और उसको सारी पावर होती है, लेकिन बगैर जो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अरे भाई ये बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है उसने, कोई फैसला कन्विक्शन का नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। यही करते हैं कांग्रेस भी, यही करते हैं फैसले पर इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस ने क्या किया था, इम्पीचमेंट मोशन लेके आ रही है, यही मैं कह रहा हूँ कि ये कम्युनिस्टों का भी बिल्कुल दिवाला निकल गया, इसी वजह से दिवाला निकला कि आप करप्शन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम करप्शन को सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा लगता ना सर, क्योंकि आप लोग मतलब विपक्ष, आप लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि खेल में इतना आप लोग हार चुके हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, यही चाहते हैं आप लोग। सीबीआई काम करे, हम पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं चिपकते, हम संविधान आप लेके बैठे, हम संविधान को बचाने के लिए काम, लेकिन आप सपोर्ट करने लगे संविधान की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ रही है के बगैर ट्रायल के किसी को आपने आरोप। अरे यहाँ ट्रायल का क्वेश्चन नहीं है, आप लुकआउट नोटिस, यहाँ इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है, पहले इन्वेस्टिगेशन का जो मटेरियल आया उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट जरा सा शाहनवाज भाई के पास जाने बैठने का मतलब ये थोड़ी है कि जगह, लेकिन जिस तरीके से आप बात रख रहे हैं ना शाहनवाज हुसैन, मैं आपके पास ही आ रही हूँ सर। ये जिस तरीके की बात विपक्ष आज बोल रहा है, सीधे सीधे जो दुहाई देता रहा है संविधान बचाने की, आज उसी के बिल्कुल उलट बासी नजर आ रही है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि देश के कानून की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे विपक्ष। आज विपक्ष नहीं है, बीजेपी होती है। सर चिदम्बरम कानून के सामने ना आए, चिदम्बरम फुर रहे ये आपको सूट कर रहा है। आइए आइए शाहनवाज हुसैन साहब, आप आइए, चलिए चलिए शाहनवाज हुसैन को बोलने दीजिए। शाहनवाज जी आइए, ये नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही कहा कि अगर जैदी साहब कह रहे हैं कि आप नहीं कह सकते, तो क्या हाईकोर्ट का जो फैसला उसके खिलाफ बोल रहे? क्या हाईकोर्ट में चिदम्बरम साहब गए तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? आज जो मामला ईडी ने रजिस्टर्ड किया है
उसको फेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या भागे रहना चाहिए। सिंगर के मामले में देखा हमने, आप क्या कर रहे थे, कितनी अदालत की मर्यादा, जी साहब मैं एक बार बोल लेता हूँ, बचा रहे थे। नहीं नहीं, अब देखिए चिदंबरम के बचाव में अब जैदी साहब सेंगर का नाम लेकर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं चिदंबरम से बच रहे हैं जैदी साहब, विपक्ष को भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं, हम नहीं बचा रहे, भ्रष्टाचारी कोर्ट में ट्रायल होगा, कोर्ट में ट्रायल होगा, हर आरोपी का अधिकार है कोर्ट में जाना, आरोपी क्यों सामने ना आए और जांच में ना शिरकत करे जब जांच एजेंसियां बार बार उसे बुला रही हैं, इसका जवाब देना होगा। ओईडी के सामने पेश हुए, सीबीआई के सामने पेश हुए, लेकिन जब बदले की बात से कार्रवाई होता है, हर आदमी को कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए, हर आप आरोपी को अधिकार है कि वो कानून के दायरे में अपनी सजा दे। बहुत बेबुनियाद है कि राजनीति से प्रेरित बेबुनियाद ये दलील सर, किसी के गले ये दर्द नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आज की चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, हमारा देश लोकतंत्र है, हमारा देश कानून से चलता है, और ऐसे में आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, जांच एजेंसियों के सामने आकर जांच में सहयोग करके देश के कानून का सम्मान करें पी चिदंबरम।